अदाकारी की जब कभी भी बात की जाती है तो लोग मार्लन ब्रांडो का नाम लेते हैं, अल पचिनो का नाम लेते हैं, रॉबर्ट डिनीरो का नाम लेते हैं, अमिताभ बच्चन का नाम लेते हैं, शाहरुख खान का नाम लेते हैं, लेकिन जब हमारे अपने मुल्क की बात आती है तो क्या कोई ऐसे नाम हैं जो सामने आते हैं, या हम उन्हें लेने से शर्माते हैं, हम कहते नहीं हैं? इन्हीं अदाकारों में से एक हैं लतीफ कपाडिया। जी हाँ, ये वही लतीफ कपाडिया हैं जो आज से कुछ साल पहले हमसे बिछड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने 40 साल तक पाकिस्तान टेलीविजन और कराची में थिएटर की खिदमत की। आपको हैरानी होगी कि कभी उन्होंने मुझे कुछ चीज या लेक्चर या चीज़ों से मना करना, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं की, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे मेरे ऊपर। उनको पेंटिंग का बहुत शौक था, शायद ही कराची में कोई पेंटिंग की ऐसी नुमाइश होती हो जहाँ कपाड़िया साहब न जाते। वो एक इंसान दोस्त आदमी था और बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट भी था, मतलब फनकार होने के साथ साथ, यानी एक परफॉर्मिंग आर्ट का आदमी होने के साथ साथ एक आर्ट के साथ, यानी उसकी जो लगाव था, मतलब उसके दोस्तों में इस हर फील्ड के लोग हुआ करते थे। सब हर बात अच्छी लगती, हर बात, हर चीज़, ये स्टाइल जो थी उसकी, हर सबसे, मतलब वो पूरे घर वालों से उसका स्टाइल अलग थी। कॉन्वर्सेशनलिस्ट, ग्रेट एंटरटेनर, बैठे हैं आप तो हंसाएगा, गाने सुनाएगा, इधर उधर की बातें करेगा, तो बड़ी अच्छी मेमोरी है। और हर थोड़े दिन पर अपने यहाँ एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया और लोगों को इकट्ठा किया और एक शोर, एक हंगामा, एक गाना बजाना। लतीफ कपाडिया 1934 में भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर नासिक में पैदा हुए। पार्टीशन के बाद उनके वालिद गुलाम अहमद कपाडिया अपनी फैमिली समेत कराची आ गए। होम्योपैथी उनके खानदान का पुराना पेशा रहा है, ताहम लतीफ ने बैंकारी को बतौर पेशा अपनाया। मेरी गुफ्तगू उनसे जब मैं कॉलेज में आ गया तो उसके बाद ज़्यादा होने लगी थी, पहले हम सिर्फ काम की बातें करते थे। वो अपने बच्चे, वो अपने दामादों से, अपनी बीवी से उसकी सिर्फ दोस्ती थी। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि उन्होंने वो चीज़ सिखा दी मुझे जो कि आप किताबों से भी नहीं सीख सके, ना मेरी डिग्री से मैं सीख सका, कि इंडिपेंडेंस क्या चीज़ होती है। उनका रिलेशन ऐसा था, अगर आज मैं वाकई में अभी तसव्वुर नहीं कर सकता। जितने बैंक से लोन हो सकते हैं वो सब लेकर दोस्तों की दावतें कर दिया करते थे। ऐसे लोग फकीर मनुष्य कम देखे हैं, जिनके यहाँ कल नहीं होता वो आज में जिंदा रहते। लातदार लोग चले आ रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, शोर तमाशा हो रहा है, लेकिन कभी जो है उनको नागवार नहीं गुजरा। पचास की दहाई में कराची में पारसी थिएटर बहुत मशहूर था, जो बम्बई थिएटर से इंस्पायर्ड होकर किया जाता था। इस थिएटर को एक मशहूर पारसी कपल महर जी और परवेज दस्तूर चलाते थे। 1953 में लतीफ ने कराची थिएटर पर शहनाज नामी खेल से अपने फनी सफ़र का आगाज़ किया, जिसमें उनके साथ उस वक्त के मशहूर थिएटर एक्टर्स मोहम्मद यूसुफ और परवेज दस्तूर ने भी काम किया। उनका जो पैशन था ना, वो एक्टिंग थी, वो पैशन था, उसको आप कहीं से हटा नहीं सकते थे। बैंकिंग उनके पास कोई चॉइस नहीं। लतीफ को सबसे पहले जब मेरी मुलाकात हुई हो तो वो 70s का ज़माना था। उस ज़माने में ख़ास टेलीविज़न नहीं करता था लतीफ, वो अली अहमद का जो नाटक था ना थिएटर, उसमें वो लीड एक्टर था। असल जो लतीफ कपाडिया को शनाख्त मिली वो थिएटर का ही खेल था, लेकिन टेलीविजन की जो व्यूअरशिप की वजह से शीशे का आदमी, उसमें जो उसने काम किया उसमें आदम का रोल था उसका। आदम एक ऐसा शख्स जो दुनिया का एक रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, एक इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग का, एक रियल इंसान का, और वो उसने इतनी खूबसूरती से निभाया था कि वो इंतहा नहीं। वो सिखाते थे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे,
तो आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ की देखी होंगी जिसमें दो दो मिनट का सीन है, लेकिन वो दो मिनट में ऐसा कमाल कर देते हैं। तो वो मुझे जब होता था मैंने भी रियलाइज़ किया था, उन्होंने कहा देखो यार दो मिनट मिले हैं उसमें और उसने सीन पूरा यू नो स्टोल द शो। इनफैक्ट आई लाइक्ड हिम बेटर ऑन द स्टेज, वो था मिजाज स्टेज का। टेलीविजन के लिए एट टाइम्स वो लगता था लाउड है ये, लेकिन असल जो लतीफ की खिश थी वो स्टेज। बाप का ये था। अब इसका क्या मतलब निकलता है वो मैं बताता हूं। W से वादा, वादा। A से अपना, अपना। P से पैसे, पैसे। D से देना, देना। A से आपका काम। तो बापदा का स्लोगन क्या बना? वादा करना अपना काम, पैसे देना आपका काम। शाबाश शाबाश शाबाश। उन्होंने 70 की दहाई में टेलीविजन में काम शुरू किया, मगर उन दिनों सिर्फ थिएटर ही उनकी पहचान बना रहा, जिसके लिए उन्होंने बेशुमार प्लेस किए। उन्होंने मुल्क में थिएटर के तकरीबन तमाम अहम हिदायतकारों और अदाकारों के साथ काम किया, जिनमें ज़िया मुईउद्दीन, अली अहमद, शुएब हाशमी, साजिद हसन, अतीका ओढ़ो, अंजुम अयाज और खालिद अहमद नुमाया हैं। मंटो का जो अफसाना था काली शलवार, जो कि बहुत डिफिकल्ट था, उसमें उसने जो रोल किया है तो बखुदा यानी उसके अंदर एक खूबी थी कि वो लोगों को गिरवेदा बना लेता था अपना। वो फिल्म स्टार लहरी के साथ स्टेज पे कॉमेडी करते थे, एक आइटम लहरी साहब करते थे स्टेज पर, तो वो उनके पार्टनर थे। लतीफ के साथ एक प्ले रिकॉर्ड कर रहे थे, बिजनेसमैन था वो, पेंटिंग के बारे में था, तो वो सीन उसको उसी वक्त दिया गया था, तो उसको याद वाद नहीं हो रहा था, हम बार बार उसको रोकते थे। फिर उसने ऐसी अपना इम्प्रोवाइज किया, बीच में कुछ बातें बोल दी, दूसरा एक्टर जो था वो कुछ घबरा सा गया, उसको समझ में नहीं आया क्या करे, लेकिन वो सारी चीज़ इतनी अच्छी बन गई कि उसका घबराना और ये कि आदमी कह क्या रहा है और ये वो, इतना खूबसूरत वो बन गया। एक आम तासुर ये है कि उन्हें एक ख़ास किस्म के किरदार ही दिए जाते थे, जिसका शिकवा उन्होंने अपने करीबी दोस्तों खासतौर पर अनवर मकसूद से भी किया था। टाइप कास्ट तो सभी को करते हैं टेलीविजन में, दूसरी ये चीज थी कि लतीफ टेलीविजन में काफी लेट आया, तो उस वक्त तक मतलब वो मतलब हीरो के रोल्स करने वाली उम्र में नहीं था। सही बात है खालिद साहब की कि वो थोड़ा देर से आए, मगर वो चूंकि बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे थे, आदमी बहुत बढ़िया थे। असल में वही बात मैं कहता हूँ कि आदमी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े एक्टर इससे भी ज़्यादा आगे जा सकते थे, अगर ये जो माशरे की जो लिमिटेशंस होती हैं ना, जो इसको हम PR कहते हैं, वो उनकी होती, लेकिन उन्होंने कभी अपना प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जिस वक्त वो टेलीविज़न पे आया और उसने टेलीविज़न में काम शुरू किया तो लोगों ने उसको उस वक्त जानना शुरू किया, लेकिन वो उससे पहले भी बहुत बड़ा थिएटर का आदमी था। थिएटर के लिए जितना काम मैं समझता हूँ कि उस दौर में हुआ है, उसमें लतीफ़ कपाड़िया को अगर हम कोई मुकाम ना दें तो ये बहुत ज़्यादा होगी। तुम्हारे पिछले 4 साल की कारकर्दगी मेरे सामने, इस रिकॉर्ड के मुताबिक तुम्हें सर्विस के पहले साल में एवरेज, दूसरे साल में फिर एवरेज, तीसरे साल की ACR में फिर एवरेज, और पिछले साल भी एवरेज मिला है। मैं क्या कह सकता हूं सिर्फ सिवाय इसके कि ये भी मेरी खुशकिस्मती है। आपको मालूम है कि ACR में तो हाँ 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 इस रिकॉर्ड के मुताबिक तुम पिछले
दो मर्तबा पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने पेश हो चुके हो और इतनी बार नाकाम हो चुके हो। तुम्हारा रिकॉर्ड गैर मामूली तौर पर मामूली है, ऐसा क्यों? सबके साथ एक ही तरह से उनका रवैया था, सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी में यह था कि एक चीज़ होती है कि कोई चीज़ गलत और सही, उसमें उनकी टॉलरेंस ज़रा कम थी। अगर टाइम दिया हुआ है तो टाइम पे आओ, टाइम पे नहीं आओगे तो चाहे कोई भी होगा सामने, वो फिर रुकते नहीं थे, जो बोलना होता था उसको बोल देते थे। बहुत ही मज़ेदार आदमी, बड़ा ज़बरदस्त उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, और गाता बहुत सुर में था, पुराने गाने सहगल के और मदन मोहन के और सी एच आत्मा के। लतीफ तो बहुत ही दिलफेक आदमी था, हुस्न परस्त आदमी था, 100% उसका तो ये था कि वो मतलब वो इतना मुँहफट भी था कि कभी चूकता नहीं था। वो अगर बाज दफ़ा वो बदतमीज़ी की हद तक किसी की तारीफ कर देता था और अक्सर जो है वो उसमें जो है वो उसको बड़ा बुरा भला भी सुनना पड़ा, लेकिन जो लोग उसको जानते थे उनको पता था कि ये मतलब दिल का साफ है। सन 2000 में हुकूमत पाकिस्तान ने लतीफ को उनकी खिदमात के सिले में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। उस तरह से जिंदगी में एक वैक्यूम आया, एक जगह थी जो कि फिर अक्सर याद आती है जब उधर से गुजरता हूँ। गुरु मंदिर पर उसका घर है, ख़ास पुराने ना, बड़ा खूबसूरत घर, तो याद आता है कैसे हम जाते थे। फिर अक्सर शाम को बुला लेता था फ़ोन करके, आ जाओ और ये और वो। मुझे आदत हो गई थी कि मैं अक्सर हफ्ते में एक दो दफ़ा लतीफ़ के घर जाता था, तो अब मैं सीधा आता हूँ तो उसमें मैं मुड़ कर उसको एक दफ़ा ज़रूर सलाम करता हूँ, उसको याद करता हूँ। आखिर आप चाहते क्या हैं? सारी उम्र बिठा के रखेंगे उसको, शादी नहीं करेंगे उसकी, कल को वो दूसरी भी जवान हो जाएगी। बंद करो ये बहस, शादी शादी, घरेलू मामला तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी नहीं है। लेकिन कुछ पता तो चले कि आप चाहते क्या हैं, किस किस्म का दामाद आपके लिए काबिल कबूल होगा, क्या खसूसियात है उसमें? भाड़ में गई उसकी खसूसियात, मत चाटो दिमाग मेरा, मत खाओ सा, समझी? और एक काम करो, सुबह सुबह बाजार निकल जाओ और गली में जो भी पहला लड़का मिले उससे ब्याह दो उसको, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन हाँ, उससे कह देना कि जो कुछ भी चाहिए एक ही दफा बेटी के साथ ले जाए और दोबारा मुझे शक्ल न दिखाए। वो ओल्ड वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता था, मतलब ये कि जो 50s वगैरह का जो एक बंगाली स्कूल था, म्यूजिक का, फिल्म का, रोमांटिसिज्म जो था उसका। कहता था कापड़िया नहीं कहो मुझे, कापड़िया, असल तो मेरा नाम है कापड़िया, कापड़िया कहो मुझे। वो एक बात कहते थे जो सब जानते हैं, जो उनके दोस्त जानते हैं, उनकी फैमिली जानती है, कहते थे मज़ा आना चाहिए, कि जो भी करो उसको मज़े से करो और इन्जॉय करो। सच्चा और एक रियल आर्टिस्ट था, मतलब जो सिर्फ फनकार था और कुछ नहीं था। बेटे तुम्हारी आंखें नींद जी अब्बू, तुम्हारी आंखें नींद से भरी हुई हैं। नहीं नहीं तो अब्बू, तुम कई रातों से जाग रही है। नहीं अब्बू, सो जा बेटे, सो जा। अब्बू जी पहले आप सो जाइए, फिर मैं भी सो जाऊंगी। सन 2002 में उन्हें गालिब से मुतालिक पीटीवी के एक प्ले अफसोस हासिल का की रिकॉर्डिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ा। सबने कहा कि हॉस्पिटल चलते हैं, मगर वो ना माने, वो पहले अपनी लाइंस रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। मुइन अख्तर उन्हें लियाकत नेशनल हॉस्पिटल ले गए, मगर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी।
और लतीफ हम में नहीं रहे। वो पीएससीसी में बैठ के मैं प्ले देख रहा था, तो इंटरवल में फिर हम बैठ के इंतजार कर रहे थे शुरू होने का, तो मेरे पास आता है, पीछे से बोलता है कि चल तुझे बाहर सिगरेट पिलाते हैं, मज़ा भी आएगा ना, टाइम भी पास होएगा ना, क्या क्या मज़ा भी आएगा ना, टाइम भी पास होएगा। दिल को है उनसे प्यार क्यों, प्यार क्यों, ये ना बता सकूंगा मैं। तो लतीफ सुन रहा होगा भाई तू। मीर का एक शेर है कि हैं मकानों सराओ जा खाली, यार सब कूच कर गए शायद। लतीफ कपाड़िया को हमसे बिछड़े कई साल गुजर चुके हैं। वो कराची के मेवाशाह कब्रिस्तान के इस हिस्से यानी जो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के लिए मुख्तस है, वहाँ दफन है। उनके काम को देखते हुए, उनके इखलाक को देखते हुए, उनकी बातों को देखते हुए, हमें कभी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। अगले प्रोग्राम में फिर किसी एक नए लेजेंड के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।